वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम जो मेरी YouTube की फैमिली है, तमाम मुसलमान है, तमाम इंसानियत जो है, तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत जो है वो खुशियां मुबारक हों। और मेरा यही पैगाम है कि हमें जो है इस ईद के बरकत मौके पर अपने जो अजीज हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो हमसाए हैं, जो गरीब है अपनी लोकेलिटी के, जो गरीब और मस्कीन लोग हैं, जो आपकी हेल्प जिनको चाहिए, जिनकी जरूरत जो है वो आप पूरी कर सकते हैं, तो आपको अपनी इन खुशियों में जो है उन लोगों को जरूर जो है वो शामिल करना चाहिए। और ईद उल अज़हा पे चूंकि कुर्बानी भी की जाती है, तो मेरी सभी से आपसे गुजारिश है और हाथ जोड़ का इल्तिमास है कि आप प्लीज जो भी कुर्बानी करते हैं उसमें से अपनी लोकेलिटी के जो लोग हैं और जो है उनकी मदद करें, ताकि क्योंकि सबसे पहला जो है वो हक जो है वो आपकी जो करीबी है उनका होता है। तो आप अपनी लोकेलिटी के सबसे जो गरीब लोग हैं, नीडी पीपल है, पुअर पीपल है, उनकी जो है वो बढ़ चढ़ कर मदद करें, उनको जो है कुर्बानी का गोश दें, उनकी जो है वो पैसों की सूरत में अगर मदद कर सकते हैं तो करें। जितनी अल्लाह पाक ने आपको इस्तेदाद दी है उतनी जो है वो आप उनकी मदद जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपने मदद करनी है तो किसी पे एहसान नहीं करना, आपने मदद करनी है तो आपने इखलास नियत से जो है वो ये सोच कर मदद करनी है कि मैं ये सिर्फ काम जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, अल्लाह की मखलूक को राजी करने के लिए कर रहा हूं, और मैं अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखूंगा तो अल्लाह पाक जो है वो मेरा ख्याल रखेंगे, और मैं अल्लाह पाक के दिए हुए माल में से जो है वो गरीबों पर खर्च कर रहा हूं। और अल्लाह पाक का जैसे वादा है जिसका मफहूम यह है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करोगे तो वो आपको 10 गुना जो है वो बढ़ाकर, कई गुना बढ़ाकर जो है वो अल्लाह पाक आपको वापस देंगे। तो यही मेरा पैगाम था, अपने जो है वो करीबी जो लोग हैं उनका जरूर ख्याल रखिए, ताकि जो है वो आप अकेले ईद की खुशियां ना मना रहे हो, आप जो है वो बाकी लोगों जो आपके करीबी हैं वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो सके और वो भी अपनी फैमिली के साथ जो है वो खुशियां मना सके। तो बहरहाल जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये था कि आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में इस साल अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल है, उसका जो है वो फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। और पाकिस्तान वर्सेस पहला जो मैच है वो 5 अक्टूबर को खेला जाना है और लास्ट मैच 19 अक्टूबर को अहमदाबाद में से शुरू होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। और पहला मैच न्यूजीलैंड और जो है वो इंग्लैंड जो कि 2019 के फाइनलिस्ट टीमें थी उनके दरमियान जो है वो रिपीट टेलीकास्ट होगा, और इस दफा देखा जाएगा कि कौन जो है वो जीती। और फाइनल भी जो है वो दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। और पाकिस्तान का जो सबसे जो मदर ऑफ दी ऑल मैचेस या मदर ऑफ दी वर्ल्ड कप मैचेस जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसकी हाइप इतनी ज्यादा होती है, उस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा टाकरा है वो 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। और उसकी हाइप और उसकी जो है वो आप उसका क्रेज लोगों में इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अहमदाबाद में जो होटल उसके करीब करीब जो है वो अहमदाबाद में जो होटल्स हैं, जो ग्राउंड के करीब जो है वो इर्द गिर्द जो है वो होटल्स हैं, उनने अपने किरायों में जो है वो कई कई गुना जो है वो इजाफा कर दिया। फर्ज करें अगर किसी का 5,000 वैसे एक दिन नाइट का एक नाइट का किराया था तो वो अब जो है वो 35,000 से 40,000 तक जो है वो चार्ज कर रहा है, जिसका पहले 40,000 था वो 80 से 1 लाख रुपया चार्ज कर रहा है। और जो जिनका मसल लाख किराया था या जिनका जो है वो ज्यादा वो ओवरऑल वो ज्यादा जो है वो 5-स्टार होटल्स थे उनका तो वैसे किराया बहुत ज्यादा होता है। तो गर्ज यह है कि हर होटल की जो है वो उनने अपनी प्राइसेस 2 से 3 गुना या 4 गुना जो है वो बढ़ा दी हैं, और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का कितना क्रेज होता है और इससे जो है वो कितना पैसा और कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उनको पता है कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे और उनने आगे पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना है, 1.5 लाख लोग आएंगे वो जो है वो आके, जाहिर बात है जो बाहर से फॉरनर्स आएंगे वो तो इधर ही होटल्स में रहेंगे, पाकिस्तान से आएंगे, पूरी दुनिया से बेशक इंडियंस आएंगे तो वो भी इधर होटल में रहेंगे, तो उनको जो है वो उनने पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी देखना है, तो उनके होटल्स वालों की चांदी होगी। और वो फिर खाना वगैरह जो है वो भी उस पर भी जो है वो रेट्स बढ़ाएंगे और होटल्स वालों की या होटल इंडस्ट्री की जो है वो चांदनी होगी। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का क्रेज कितना है। लेकिन इस सारे मामले में जो है वो एक चीज सारे मामले को शायद खराब करने
करने वाली है। और जहां पे आईसीसी की तरफ से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का हाई वोल्टेज मैच अहमदाबाद में रखा गया है, और जहां पाकिस्तान की जो है वो दो शराइत मान ली गई थी वर्ल्ड कप के मुताबिक। एक पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता तो पाकिस्तान मुंबई में नहीं खेलेगा, और अगर दूसरी शर्त यह थी कि पाकिस्तान जो वार्म अप मैचेस हैं वो पाकिस्तान सीना कंट्रीज के साथ खेलना चाहता है, वो पाकिस्तान एशियाई टीम्स के साथ नहीं खेलना चाहता। तो ये दोनों शर्त पूरी हो गई थी, लेकिन अब जब आईसीसी की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो हाई वोल्टेज मैच वो अहमदाबाद में रखा गया है, तो अब जो है वो पीसीबी का इस पर दोबारा जो है वो बड़ा पैगाम आ गया है। और इस पर जो है वो पीसीबी ने यही जो है वो शेड्यूल के बाद ऐलान किया है कि अभी तक जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने हमें इजाजत नहीं दी, आईसीसी ने शेड्यूल लाजमी जारी कर दिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज का फैसला करेगी कि हमने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, और हमने आईसीसी या बीसीसीआई को इंडिया में जाकर खेलने की जो है वो हामी नहीं भरी। और जब हमने हामी नहीं भरी तो फिर आप जो मर्जी वेन्यू चुन ले, हम उस पर एतराज नहीं कर सकते। हम जो है वो एतराज तभी करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इंडिया जाकर खेलने की इजाजत देगी, और अगर वो ये भी इजाजत देती कि आप इंडिया में भी जाकर खेलें और आप जो है वो अहमदाबाद में भी जाकर खेलें, तो हम जो है वो इंडिया में भी जाएंगे और अहमदाबाद में भी जाकर खेलेंगे। और इस पर मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का आया था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, लोगों इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वहां पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं या ये है या वो है, तो ये पीसीबी गलत फैसले कर रहा है, ये सारी चीजें सामने आ रही थी। और लोग इसको पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर जो है वो इस चीज का बार बार याद कर रहे थे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को वहां पे जो है वो इंतहा दर्जे का प्यार मिलता है, और ये पाकिस्तान जो अहमदाबाद में ना खेलने वाली बात कर रहा है ये फजूल और बिल्कुल घटिया बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं। और पाकिस्तान को इंडिया में जाकर किसी भी वेन्यू पर जो है वो अगर आईसीसी खेलने को कहता तो पाकिस्तान को वहां पर जाकर खेलना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन पीसीबी के जराये के मुताबिक, पीसीबी के इलामी के मुताबिक अभी तक पीसीबी ने यही ऐलान पकड़ा हुआ और यही जो है वो अभी तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर हमें इजाजत देगी तो तब हम जो है वर्ल्ड कप के लिए ट्रेवल करेंगे, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी तो तब हम अहमदाबाद में खेलेंगे। लेकिन हम जो है वो अहमदाबाद में खेलने में हमें रिजर्वेशंस हैं, और क्योंकि वहां पे जो है वो एंटी मुस्लिम जो है वो बयानियां बहुत ज्यादा चलता है, मुसलमानों को जो है उनके हकूक से महरूम किया जाता है, मुसलमानों पर बड़ी कत्लो गारत की गई थी वहां पे गुजरात के में, तो ये सारा मामला जो है वो लोग उसमें मसला ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो जो सूबा या जिला आप उसको कह लें उसमें जो है वो बड़ा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बढ़ चढ़कर बयानियां पेश किया जाता है और मुसलमानों पर बड़े मुजालिम डाले जाते हैं, तो वहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के तमाशाई और पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन हैं और जो पाकिस्तान से गए हुए लोग हैं और जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और वो लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच वहां पर अगर खेलने जाएंगे तो उन सबकी जान को जो है वो खतरा है। इस वजह से हम अहमदाबाद में खेलने के लिए जो है वो अभी तक एग्री नहीं है, लेकिन आईसीसी की तरफ से जो है वो पीसीबी को शट अप कॉल दे दी गई है, और आईसीसी की तरफ से पीसीबी को कहा गया है कि पीसीबी चूंकि कह रहा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो मे बी हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दें, या मे बी हम अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती तो हम तो फिर वैसे ही वर्ल्ड कप में जाकर नहीं खेल सकते। तो आईसीसी ने भी जो है वो उस चीज का बयानिया अब जो है वो सामने पीसीबी को दो टोक मौके पर अपना दिया है, उसको बता दिया है कि भाईजान इनफ इज इनफ, आपकी रोज की ड्रामे बाजी जो है और आपके रोज के बदलते बयान जो है वो बहुत हो गए हैं, अब हमने शेड्यूल जारी कर दिया, अब अगर आप जो है वो वर्ल्ड कप में खेलने आते हैं तो ठीक है, अगर आप वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आते और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो फिर ठीक है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम जो है वो क्वालिफाई, वैसे तो क्वालिफाइंग जो राउंड हो रहा है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे और श्रीलंका जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो पीसीबी का पहले तो दो टीम जो टॉप की दो टीम्स होनी थी उनने जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन अब आईसीसी का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देता है तो हम जो तीसरे नंबर पर आने वाली टीम थी मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट इंडीज जो है वो तीसरे नंबर पर आएगी, ये जो क्वालिफाइंग राउंड अभी वर्ल्ड कप के लिए खेला जा रहा है, तो हम उस टीम को जो है वो पाकिस्तान की जगह पर जो है वो शामिल कर लेंगे और वो टीम जो है वो पाकिस्तान के जिस जिस दिन और जिस जिस वेन्यू और जिस जिस टीम के खिलाफ जिस जिस टाइम पे मैचेस थे वो टीम दूसरी टीम के खिलाफ जो है वो उस मैचेस खेलेगी, और हम जो है वो पाकिस्तान का मजीद तरले नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के मजीद जो है वो अब जो है इनके पांव नहीं पकड़ेंगे या हम मजीद जो है वो
इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो पीसी भी, वैसे तो मैंने, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरफेयर करेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लाजमी इजाजत दे देगी, और अगर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाकर नहीं खेलता तो मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि पाकिस्तान को इंडिया में जाकर खेलने की जरूरत है, और पाकिस्तान को इंडिया में जाकर इंडिया को हराने का जो है वो मजा जो है वो पाकिस्तान की कौम को देना चाहिए। और वो खुशी जो होगी, वो लम्हा जो होगा जब आप इंडिया को उनके ग्राउंड में और उनके लोगों के सामने हराएंगे, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के सामने आप इंडिया को आएंगे, तो वो जो है वो बड़ी बात होगी, वो पाकिस्तान की बड़ी जीत होगी। और इस तरह के पीसीबी के फजूल बयानात, क्योंकि अगर आपने वो वसीम अकरम ने भी कहा था कि अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है, आप कहते हैं कि मैंने कुछ करना, तो फिर भाईजान चुप करके कर दें, फिर आप ये ना सोचें कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, फिर आप कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ये ना करते रहे। आप एक बयानिया बना रहे हैं और फिर उस पर डट जाएं, चाहे आपको नुकसान हो या फायदा हो, आपको उस पर डट जाना चाहिए। लेकिन पीसीबी का जो वतीरा बना हुआ है कि एक दिन आगे एक दिन पीछे, एक दिन कहते हैं हमने जाना, एक दिन कहते नहीं जाना, एक दिन कहते जाना, एक दिन कहते नहीं जाना, तो ये चीजें जो है वो इस चीज से मेरे ख्याल से पीसीबी का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में गलत जा रहा है। और आईसीसी भी जो है वो इस चीज से काफी परेशान है, और उनने भी जो है वो पीसीबी को अब क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि भाईजान अगर आप नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में तो आप जो जो वेस्ट इंडीज है उसको उसको जो है वर्ल्ड कप में शामिल कर लेंगे, और वो आपकी जगह पे जिस जिस दिन आपके मैचेस होने थे, जिस जिस टीम के खिलाफ, जिस टाइम पे, जिस वेन्यू पे, तो वहां पे वो टीम जो है वो दूसरी टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान आपने नहीं आना तो ना आए। बाकी जो लोग जो है वो कुछ मीडिया वाले मैंने देखा कि वो कह रहे थे जी पाकिस्तान पे बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान को माली नुकसान बड़ा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो फजूल बकवास कर रहे हैं। उनने ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं जाएगा, और पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, तो फिर पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर किसी गवर्नमेंट जो है, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट अगर अपनी टीम को आईसीसी की टूर्नामेंट्स में दूसरे मुल्क में भेजने से इनकार कर देती है ड्यू टू सम वैलिड सिक्योरिटी रीजंस, तो फिर जो है उस टीम पर ना तो उसको कोई माली नुकसान होगा और ना जो है उस पर कोई सैंक्शन लगेगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को माली नुकसान हो जाएगा, हां मैं ये जरूर मानता हूं कि पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान जरूर होगा, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेले और वहां पर जो है वो तमाम टीम्स को हराए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे। लेकिन ये जो लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो है वो सैंक्शन लग जाएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान जो है उस पर उसको माली नुकसान इतना ज्यादा होगा तो पाकिस्तान बोर्ड नहीं चला पाएगा, उसकी तनख्वाह ही नहीं मुलाजमीन की दे पाएगा, तो मेरे ख्याल से ये फजूल और लगवियात हैं, इनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। आपको आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेने चाहिए, और उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट अपनी टीम को समय दिया है कि हमारी टीम दूसरे मुल्क में जाकर आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने से गैर महफूज हो गई, मतलब उसको सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर उस टीम को ना तो माली नुकसान होता है और ना ही जो है वो जो उसको मिलना है वो सैंक्शंस उस पर लगनी होती हैं। आईसीसी में टूर्नामेंट में जो है वो पार्टिसिपेट ना करने की वजह से वो सैंक्शंस भी नहीं लगते और ना ही उसको किसी भी किस्म का कोई माली नुकसान होता है। तो ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको पता है जी हम इंडिया के हक में बात करेंगे तो हमें व्यूज ज्यादा आएंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, पीसीबी के खिलाफ बात करेंगे तो हमें ज्यादा व्यूज आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, आप इंडिया के वो जो हैं वो अल्लाह माफ करे, इंडिया वाले कोई खुदा नहीं है, वो कोई आपके रोजी नजार नहीं है, वो खुद अल्लाह ना करे जो है वो अल्लाह माफ करे नऊज बिल्ला, वो आपको कोई बड़े नहीं है कि हमने उनको खुश करना है। आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं तो आप क्रिकेट पर बात करिए, आप सच्चाई पर बात कीजिए, आप हक की बात कीजिए, आप लोगों को सच बताएं, आप लोगों को इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ना बताएं, आप बैठ के पाकिस्तान में पाकिस्तान का खाकर और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नमक हरामी करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है वो मेरा दो टोक मौकफ यही है कि भाईजान लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। मैं खुद चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाकर खेले, लेकिन मैं ये लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए कि ये हो जाएगा तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान का ये है ये है। और आप अब जो आप सब लोगों को पर लाग गए, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई तो तब आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, तब आप काम मार गए थे, तब आपकी गैरत कहां चली गई थी, तब आपने इंडिया को क्यों नहीं कहा कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तब आप कहते ना कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा, तब तो आप कहते नहीं जी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में जो है वो सेफ नहीं है, पाकिस्तान के हालात इस तरह के नहीं है, पाकिस्तान का ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान का वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, पाकिस्तान में वो मसाइल हैं। तो अब तब आप जो है वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मसाइल गनवा रहे थे, गो के पाकिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने टॉप क्लास जो है वो टीम्स को सिक्योरिटी दी और वो सारे खिलाड़ी जो है जो दौरा टीम्स करके गए और खिलाड़ी दौरा करके गए वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की और सिक्योरिटी से मुकम्मल जो है वो उनको जो है वो खुश थे, और वो बल्कि खुश थे कि हमने इतनी सिक्योरिटी हमने
कभी जिंदगी में खुद को नहीं देखा और हमने खुद को कभी कहीं और मुल्क में जो है वो इतना महफूज कभी नहीं समझा जितना हमने पाकिस्तान में खुद को समझा। तो फिर आपको जो है वो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए, आपको सिर्फ जो है वो इंडिया की दलाली करने ना बैठ जाए। तो बाकी बहरहाल स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। और माजरत अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है, लेकिन बात यही है कि आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं तो आप क्रिकेट पर बात करें, आप हक की बात करें, आप सच की बात करें, क्योंकि लोग आपकी बात को देखकर जो है उस पे अमल करते हैं, लोग उसको जो है वो सच मानते हैं। अगर और अगर आप जो है वो गलत बात प्रमोट करेंगे, गलत चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे, तो फिर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो आप जो है वो अपने शोबे से, आप अपनी जॉब से, आप अपने जो है क्रिकेट एनालिस्ट हैं उस शोबे से जो है वो नाइंसाफी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए होते आपको, जो है वो अल्लाह ने आपके हक में अगर रिजल्ट लिखा हुआ है तो वो आपको किसी भी सूरत में मिल जाएगा। वो आपको ये नहीं है कि आप इंडिया की दलाली करेंगे तो फिर ही आपको मिलेगा, आपको जो है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जो लोग करते हैं ना, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा फजूल में रखने लग जाते हैं, उनको अगर मेरी वीडियो कभी वो देख लेंगे तो वो ना उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो।